तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। और अभी हम आए हैं आगा चौक, जहाँ पे जो है महाकाली की एक बहुत ही रौद्र रूप में मूर्ति बनाई जा रही है। और मूर्ति जब आप देखोगे ना, आप खुद बोलोगे आपने कभी लाइफ में इस तरह की मूर्ति नहीं देखी। क्योंकि जो अधिकतर महाकाली की मूर्ति है उनमें जो है माता की आँख वगैरह जो है इतनी बाहर नहीं निकली होती, लेकिन ये जो मूर्ति है अपने आप में ही अलग पहचान है। इनकी जो आँखें हैं जो इतनी बाहर निकली हुई हैं, और जीभ का साइज भी आप देखोगे तो बाकी मूर्ति की अपेक्षा बहुत लंबी जीभ है इन माता की। और जो पूरा रूप है माता का जब बन के तैयार होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और ये जो मूर्ति बनाने वाले भैया हैं उनका नाम है छोटेलाल चक्रवर्ती जी। तो चलिए अब मैं आपको मूर्ति दिखाता हूँ। कर्म में मोक्ष भी में प्रकाश में अंधकार भी में मार्ग में लक्ष्य भी में मोह में त्याग भी में कण भी मैं ब्रह्मांड भी मैं अंत भी मैं आरंभ मैं गौरी मैं काली में स्वयं की मन बना काली स्वयं की मन बना काली काली गी उनका समा शिवा धारी दिनेश कुमार जाट, और इन्हीं के द्वारा ये मूर्ति की स्थापना हर साल की जाती है। और आप पीछे देख सकते हो माता का रौद्र रूप। तो भैया ये मूर्ति कहाँ पे स्थापित की जाएगी? ये घमापुर छोटी ओम की बिहारी माता का वाड़ा, हाँ, मेडिकल गली के अंदर। तो और कितने साल हो गए ये मूर्ति को रखते हुए? आठवीं साल है। और हर साल इतना ही इतनी विशाल मूर्ति रखी जाती है? तो एक बार लोगों को एड्रेस जो है पूरा अच्छे से डिटेल में बता दीजिए, ताकि मूर्ति जो है बहुत अट्रैक्टिव है और लोगों को देखने की बहुत मन है। तो एक बार एड्रेस जो है पूरा कंप्लीट बता दीजिए। घमापुर छोटी ओम की बिहारी महाराज का बाड़ा, राम मेडिकल गली के बाजू, राम मेडिकल। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा ये हैं इस मूर्ति की स्थापना करने वाले, और हर साल इन्हीं के द्वारा ये मूर्ति रखी जाती है। और जब ये मूर्ति बन के तैयार होगी, जो मूर्ति का रूप है काफ़ी रौद्र रूप में रहेगा, और वो भी आपको दिखाऊंगा। तो जैसा कि भैया ने आपको एड्रेस बताया है, आप वहाँ जाके मूर्ति को जब पूरी तैयार हो जाएगी, इनकी स्थापना हो जाएगी, उसके बाद आप जाके देख सकते हो। और काफ़ी
विशाल मूर्ति है ये, उनका आप आंखें देख लो, उनका चेहरा देख लो या उनके पांव वगैरह देख लो, काफ़ी हट के है ये मूर्ति। अभी तक की जबलपुर में जितनी भी महाकाली बनी है ये मूर्ति जो है सबसे अलग मूर्ति है। ये मूर्ति आप देख रहे हो ना, देखिए कितना विकराल रूप है इनके चेहरे में जो है, कितना रौद्र दिखाई दे रहा है, कितना रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं की जो कलाकारों की जो खासियत रहती है वो अपने मन में जो है माता को एक रूप तैयार करते हैं, फिर उसको मूर्ति में ढालते हैं। तो आप देखिए जो है माता के रूप को देखिए, इस मूर्ति की जो हाइट है वो 15 फुट है। और अभी देखिए मैं माता को आपको कहाँ खड़े होकर दिखा रहा हूँ। भैया ने जो है बांस की मदद से जो है यहाँ पे जो है पूरा लकड़ी का पट्टा टाइप का एक लगाया हुआ है, उस पर खड़े होकर वो पेंट कर रहा हूँ। मैं भी उसी पे खड़ा हूँ देखिए, और लगभग मैं 9 से 10 फुट की ऊँचाई पर खड़े होकर यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। इनका रूप देखिए आप, कितना रौद्र रूप है माता का। तो अब जो है मूर्ति में देखिए जो है जहाँ पे लाइट जलती है वहाँ पे लेंस लगाया जा रहा है। ये जो माथे में है ये लेंस लगाया गया है और इसके अंदर है अंदर से एक बल्ब है, तो चलिए वो भी दिखाता हूँ मैं आपको कैसा क्या है। और यहाँ पे थोड़ा चलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, देखिए किस तरह से चलना पड़ता है। और ये यहाँ पे है उस लाइट का वायर, ये यहाँ पे अंकल जो है वो जो लाइट को अभी जलाने वाले हैं, तो वो भी आपको चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से माथे में लाइट लगाई जाती है, पीछे से ऐसे वायर रहता है और सामने जो है माथे पे लेंस लगाया गया है, तो वहाँ पे जो है पूरी लाइट चमकेगी। नहीं भैया अभी नहीं जला। ये गाइस ये जो अभी भैया ने लेंस लगाए हैं यहाँ पे जो लाइट थी अंदर अंदर देखिए बल्ब एक लगा हुआ है। अरे कलर नहीं पहुँच रहा है, ये देखिए ये जो है माथे में जो है। हाँ ये गाइस ये जो अभी भैया ने लेंस लगाए हैं यहाँ पे जो लाइट थी अंदर अंदर देखिए बल्ब एक लगा हुआ है। अरे कलर नहीं पहुँच रहा है, ये देखिए ये जो है माथे में जो है। हाँ ये देखिए माता के मुंह के अंदर जो है पूरा ये बर्फ लगा हुआ है पूरा। और यहाँ पे जो है अभी भैया जो है ये पीला बर्फ लगा हुआ है, यहाँ पे है जो है लाल बर्फ लगाएंगे। ये देखिए हाँ आ जाए, आ गया ये बाहर आ गया बल्ब, देखिए ये बाहर आ गया। इसको बदल के भैया जो है लाल कलर का करेंगे, तो जो है पूरी लाइट जो जलेगी पूरी लाल कलर की जलेगी। अभी यहाँ जो लाइट जल रही थी वो देख रहे थे आप। I'm not afraid.
गाइस ये देखिए जो है भैया जो है बाल लेके आए हैं। अब जो है माता पे बाल लगाए जाएंगे और अभी कुछ देर में जो है पूरा माता का जो है चेहरा तैयार हो जाएगा बाल वगैरह लगा के, तो फिर आपको दिखाऊंगा कैसे लगता है माता का जो रूप तैयार होता है। और देखिए बालों की क्वांटिटी देखिए आप, कितने सारे बाल हैं जो है ये पूरे माता के चेहरे पे लगाए जाएंगे। और नीचे जो आप देख रहे हैं साइड साइड में ये यहाँ पे भी पूरे जो है ये पूरे वहाँ तक का जो बाल लगाए जाएंगे पूरे। ये है जो है लेई कहते हैं इसको, और जो है यहाँ पे लगाई जाएगी अभी कुछ देर में ही भैया लगाएंगे और फिर उसके ऊपर जो है बाल चिपकाए जाते हैं। तो देखिए कैसे माता पे बाल लगाए जाते हैं आप, ये देखिए भैया जो है इस तरह से लेई को सर पे लगा रहे हैं और इसी के ऊपर जो है बाल चिपकाए जाएंगे। तो देखिए आप ज़रा कैसे माता पे बाल लगाए जाते हैं और मूर्ति जो है कुछ देर में अभी चेहरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसका जो लुक आएगा वो आप देखिए माता का जो रौद्र रूप रहेगा। तो गाइस ये देखिए जो है माता के चेहरे पे जो है बाल वगैरह आधे से ज़्यादा लगाए जा चुके हैं और देखिए माता का रूप देखिए कितना रौद्र रूप दिख रहा है। माता का जो आँख बाहर निकली है और जो है माता का जो जीभ देखिए आप, कितनी लंबी जीभ है माता की, तो ये लुक जो है बिल्कुल अलग ही देता है इस मूर्ति को। तो चलिए गाइस इस वीडियो का अंत मैं यहीं पे करता हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियो आने की हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए वीडियो मिलते रहें। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।